अपने आप को सोशल मीडिया से किस तरह से एक्टिव रखना है ये कोई ज्योति सिंह से सीखे। जी हाँ, सारे स्टार्स वाइफ में ज्योति सिंह सबसे ज़्यादा स्टाइलिस्ट हैं और अपने आप को अपने फैन से कैसे जोड़ना है ये उन्हें बखूबी आता है। तभी तो छठ पर्व बीते हुए 2 दिन हो चुके हैं, लेकिन ज्योति सिंह ने अभी सोशल मीडिया पर अपनी फोटो पोस्ट की और जैसे ही ये फोटो पोस्ट की उसे वायरल होते देर लगी, क्योंकि इस फोटो में ज्योति सिंह काफ़ी खूबसूरत लग रही हैं और काफ़ी एलिगेंट लग रही हैं। वैसे ये पहली मर्तबा है जब छठ का पर्व ज्योति सिंह अपने मायके में मना रही हैं। पिछले साल ये पर्व उन्होंने अपने ससुराल में मनाया था। आपको बता दें कि पवन सिंह भी इस बार दिल्ली में थे, जो कि मनोज तिवारी के साथ एक शो कर रहे थे। वैसे यहाँ आपको एक बात और बता दें, इस बार छठ पर्व में सबसे ज़्यादा किसी के गानों की धूम रही तो वो कोई और नहीं, अक्षरा सिंह थी। जी हाँ, अक्षरा सिंह के गाने रुएले बजनिया को YouTube पे बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला है और उसकी जगह पे खेसारी लाल यादव और पवन सिंह के गानों को भी अच्छा रिस्पांस मिला है, लेकिन उसे सुना कम गया है। वैसे बात यहाँ ज्योति सिंह की हो रही है तो आपको बता दें कि ज्योति सिंह अपने आप को सोशल मीडिया पर एक्टिव रखती हैं और अपने फैन से जुड़े रहती हैं। वैसे आपको बता दें कि छठ का पर्व पवन सिंह की माँ भी करती हैं आरा में। हर साल पवन सिंह उनसे मिलने ज़रूर जाते हैं और छठ का प्रसाद जरूर ग्रहण करते हैं, लेकिन इस बार ऐसा हो न सका, अपने शो के चलते वो बाहर थे। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।